मध्य प्रदेश के बड़वाहा में उत्तर तट स्थित सुंदरधाम आश्रम में संतों की चार माह की कठोर धुनी तप का समापन रविवार को गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि नर्मदा के उत्तर तट स्थित सुंदरधाम आश्रम में विश्व शांति जगत की कल्याण के लिए गादीपति महंत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज के साथ अन्य सज्जन भीषण गर्मी के बीच जलते कंडों का घेरा बनाकर अपने सिर पर जलता हुआ खप्पर रखकर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच चार माह की कठोर कोट खप्पर धुनी तप पर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। संत श्री नारायण दास जी महाराज ने कहा कि बसंत पंचमी से शुरू हुआ कठोर तप का समापन 16 जून रविवार को गंगा दशहरे पर श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ होगा। श्री सुंदरधाम आश्रम की यह परंपरा ब्रह्मालीन संत श्री सुंदरदास जी महाराज के समय से चली आ रही है। स्वयं ब्रह्मालीन संत श्री ने यह तप 58 वर्षों तक किया था। वर्तमान में गादीपति महंत श्री बालकदास जी महाराज यह तप 42 वर्षों से निरंतर करते आ रहे। भगवान की कृपा से श्री सुंदरदास जी महाराज की तपोस्थली नर्मदा के सुंदर धाम आश्रम पे 76वां विष्णु महायज्ञ चला रहा है। ये परंपरागत चला रहा है। ये गुरुदेव भगवान की तपस्या के उपरांत ही सब अने चार महीने तपस्या करते थे। वो तपस्या पर ही यज्ञ होता था। यज्ञ में ही यज्ञ के निमित्त ही पूर्णाहुति होती थी। भारत के सभी साधु संतों का आवाहन होता था, ब्राह्मणों का द्वारा यज्ञ होता था और यही परंपरा चली आ रही है। 76वां विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति कल 16 जून को होने जा रही है और इसमें भारत के सभी साधु संतों का आगमन है। आज 6वां दिवस है। 6वां दिवस के उपरांत ही सभी संत महात्मा पधारे हुए हैं और इसमें यज्ञ का हवन और आदि चल रहा है। राम कथा चल रही है, भजन संध्या, प्रकाश दास जी जयपुर से पधारे हुए उनका भी होने जा रहा है, अखंड भंडारा चल रहा है। मानव मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ ही है। अन्य भवंती भूतानि प्रजन्या संभवत, यानी यज्ञ में है अन्न की आहुति की प्रधानता है और मानव को भोजन की यानी प्रसाद की प्रधानता है। ऐसी यज्ञ करना ही चाहिए। हमारी सनातन धर्म में 5 यज्ञ की प्रमाण है। उसमें 3 यज्ञ श्री भगवान प्राप्ति के लिए हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए 3 यज्ञ हुआ है। राजा राम जी के द्वारा दशरथ जी का हुआ, दशरथ जी ने करा है, दूसरा जनक जी ने किया है और तीसरा विश्वामित्र ने, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुभयज्ञ करावा। तो ऐसे ही 3 आहुति 3 प्रकार के यज्ञ हुए और 2 प्रकार के यज्ञ हुए रावण और मेघनाथ के, वो सफल नहीं हुए। तो यही सनातन धर्म में हमारे यज्ञ करते आए करते रहेंगे और 4 महीने धुनी पर्यंत ये यज्ञ की पूर्णाहुति कल है। ये सभी संत महात्माओं के दर्शन कर आप जीवन का सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य के भागी बने और यही मैं आपसे कामना करता हूँ। भगवान इस क्षेत्र का और आने विश्व का कल्याण के लिए यज्ञ संतों से करवाते रहे। जय सियाराम नर्मदे हरि।